तो जब भी YouTube के ऊपर कोई अपना YouTube चैनल बनाता है, YouTube के ऊपर आता है, तो उसके हमेशा सबसे जो मेन एक एम होता है कि YouTube के जरिए कुछ अर्निंग करना, कुछ पैसा कमाना। अब यहाँ पे दोस्तों, जब हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मोनेटाइजेशन होने के बाद में हम YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे YouTube से अर्निंग करने का और एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, बड़े जो यूट्यूबर होते हैं तो उन्हें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलती है, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम उन यूट्यूबर्स का है कि जो छोटे हैं और जिनके चैनल के ऊपर, जिनके वीडियोस के ऊपर 50-100 व्यूज़ आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको ये जो छोटे यूट्यूबर हैं जिनके वीडियोज़ के ऊपर 50 से लेकर 100 व्यूज़ आते हैं, तो इन्हें किस तरह से स्पॉन्सरशिप मिलेंगी और किस तरह से दोस्तों ये स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, यही आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऐप हाउस। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप से अगर आपके चैनल के ऊपर 50-100 व्यूज आते हैं तो आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरली अभी हो क्या रहा है कि जो कंपनियां हैं वो बड़े यूट्यूबर को छोड़ के छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें अप्रोच कर रही है, उन्हें अपने स्पॉन्सरशिप के लिए इनवाइट कर रही है। उसका कारण यह है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल के ऊपर लाखों में, मिलियंस में, करोड़ों में जो व्यूज़ आते हैं, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा जो स्पॉन्सरशिप्स के लिए दोस्तों पैसे मांगते हैं। तो कंपनी भी चाहती है कि छोटे यूट्यूबर्स को वो अप्रोच करें और कम से कम पैसों के अंदर उनके प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप हो जाए, उनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों, एक छोटे यूट्यूबर के पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपके वीडियोस के ऊपर, चैनल के ऊपर 50-100 व्यूज़ आते हैं या 400 से लेकर 500 व्यूज़ आते हैं, तो दोस्तों आप आराम से एक स्पॉन्सरशिप के 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक के आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप 1,000 से लेकर 1,200 रुपये दोस्तों कंपनी को कहते हैं तो बार्गेनिंग करने के बाद में कम से कम दोस्तों आप 700 से 800 रुपये ज़रूर उस स्पॉन्सरशिप के अर्निंग ले सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्तों आप किस तरह से स्पॉन्सरशिप आपको मिलेंगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि जब भी आप अपना YouTube चैनल बना रहे हैं तो आपको आपके YouTube चैनल के जो अबाउट का सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको एक अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, एक बिजनेस ईमेल आईडी है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मेरा जो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में यहाँ पर मैंने अपना एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं तो दोस्तों वो यही गलती करते हैं कि अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में वो अपना ईमेल आईडी मेंशन नहीं करते। तो इस जब भी कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच करना चाहेंगी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वो इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर दोस्तों आपको अपनी स्पॉन्सरशिप्स का मेल भेजेंगी। उसके बाद में दोस्तों आप उनसे फर्दर कांटेक्ट करके अपनी स्पॉन्सरशिप्स के जो भी आपको प्राइस लेना है, पैसे लेना है, वो दोस्तों आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीका है कि जिसके जरिए आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आपको बस आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना एक ईमेल आईडी मेंशन कर देना है और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों आपको काम करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।